अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है सेकंड पार्ट। टाइटल है रियल टॉक एपिसोड 8 अल्पेश यादव ऑन पॉलिटिक्स सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और स्टार्ट करते हैं वीडियो को आखिर तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। हंसराज कॉलेज से, तो वहां से कभी था वहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व। यार मुझे पता नहीं, मेरे को ये वाली बात बोलनी चाहिए, थोड़ा लीगल टर्म्स में फंस जाऊंगा नहीं फंसूंगा, बट चलो मैं बता देता हूँ, देखी जाएगी, कटवा देंगे कोई नहीं। हाँ चलो देखी जाएगी। भाई मेरा क्या सीन हुआ था, इलेक्शन में फर्स्ट ईयर में खड़ा हो सकता था मैं उसके लिए, सीसी के लिए, काउंसलर के लिए। तो मैंने अपना सारी चीज़ कर दी, अपने कैंपेनिंग चल रही उसमें था मैं चेंज पैनल के अंदर, और अपने कैंपेनिंग चल रही, सफ़ेद बुरसट पैर के अपने नेता हो रहे पूरे। भाई नॉमिनेशन वाला दिन आया कि भाई ये लिखवाओ, एज देखी एलिजिबल ही, घर वाले ने छोटा लिखवा रखा मुझे, तो मैं एलिजिबल ही नहीं हो पाया उस पोस्ट के लिए। भाई उस दिन आईफोन भी फेंक दिया आईफोन छो चढ़ गए, गोल्ड कलर का था, ऐसे करके नू फेंकने लगा ना कि भाई छो तो आ रहे फेंकना पड़ेगा, नू फेंक दिया टूटे भी ना और कि भाई छो भी उतर जाए और टूटे ना, और देखा फिर जल्दी ठाला है मगर टूटा ना ना टूटा था। तो ऐसा तो नहीं है उस दिन से ही ठान लिया था कि भाई पॉलिटिक्स में तो घुसना? ना ना ना, ऐसा सिस्टम नहीं था मेरा। सेकंड ईयर में भी जी करा मैं का प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होता हूँ, पर उसमें चाहिए थी 75% अटेंडेंस। मैंने चेक करवाई मैं का मेरी कितनी, कॉलेज तो जाया करता मैं पर क्लास में नहीं जाया करता। और थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में तो तुम्हारा भाई स्टार बन गया था यार, मेरी जिंदगी का पहला शो मेरे कॉलेज में हुआ भाई। तब तो तू पक्का जीतता, तब तो हाँ जीत जाता मैं, बट अटेंडेंस नहीं थी। अटेंडेंस भाई अटेंडेंस जुगाड़ भी करके कर दे, पर अगली पार्टी ना आरटीआई वारटीआई लगा के कुछ सिस्टम था वो हटवा देते नॉमिनेशन। मैं क्यों इस पंगे में पैर देना। थर्ड ईयर में मैं इतना कॉलेज में गया नहीं, मेरा पहला जो शो जिंदगी में जो इवेंट होते ना मेरे ही कॉलेज में हुआ। हमारे उसमें ना वॉल लग रखी है, हमारे शाहरुख खान हमारे कॉलेज से पास आउट है भाई, वॉल पे फोटो लग रही शाहरुख खान की भी और भी उन्होंने सारे, मैं देखता रहता हूँ वॉल को, कदा मेरी फोटो तो आएगी आज तक ना लगा आएगा ना लगा दिन, मुझे लगा भी ये बोलेगा उस दिन मेरी लग गई, अरे ना लगी। पोस्टर तो लगे थे उस इवेंट, पोस्टर लगे थे पर वो नहीं लगा। एक दिन वो भी आएगा कि मैं बड़ा होकर डिग्री लेने, बाद में जैसे शाहरुख भी अभी लेने गया था डिग्री, तूने डिग्री उठाई, डिग्री भी लेते हैं, पास आउट हुआ था भाई आज तक डिग्री ना, मैंने भी नहीं उठाई अपनी। मैं तेरे साइड वाले किरोड़ीमल से पढ़ा था, मैं भी किरोड़ीमल में था, पहले एडमिशन ही किरोड़ीमल में हुआ था मेरा, फिर वो कट ऑफ वाइज चेंज कर लेते, फिर किसी ने मुझे बुलाया कि एल्विस हमारे कॉलेज हंसराज में आ जा तुम, मैं यहीं हूँ। देख जो थी वो तो सबको पता है, व्यूअर्स को भी पता है, अभी का ही बता दे अभी का। अभी भाई कभी नहीं थी यार, हम तो लड़के रिश्ता ढूंढ रहा हूँ मैं तो अपना, छोरी मिल जाता हूँ कोई लव लाइफ नहीं, मेरे कान लाल हो गए। झूठ बोल रहा है क्या? अभी तूने चूटी काटी थी थोड़ी देर पहले, गरम गरम से लग रहे कान। अरे नहीं भाई मैं बताता हूँ, देखो तुमसे तो क्या शर्माना, तुम तो भाई हो मेरे, लेकिन साथ साथ ये लोग भी बैठे हैं। हाँ ये भी भाई है यार, ऑडियंस अच्छा, मुझे लगा कैमरास, ये भी भाई बहन तो नहीं भाई। लव लाइफ क्या है पता है क्या, जितने भी बालक है ना 18 साल से लेके 23 साल तक के, भाई लड़की के चक्कर में फंसो ही मत भाई, करियर से हट जाओगे, सच में हट जाओगे। छोरी का चक्कर तो भाई बहुत खराब है, मैं नहीं पढ़ा कभी, मैं बहुत शरीफ घर का लड़का हूँ, मेरा पापा सरकारी नौकरी मेरे गांव में इज्जत है भाई मेरे पापा की, ठीक है, तो कोई सिस्टम नहीं। पापा रिश्ते भाई जो पापा कहेंगे ना वो ही होगा, पापा ने कह दी ये तो ये, अब पापा रिश्ते ढूंढ रहे हैं, पापा ने जो सी पसंद आ गई भाई उसका ब्याह होगा, दिख जाएगा, ये है भी एक लोता ना, बनेगा एक ही भाई है ना। उस दिन दिख जाएगा किसका ब्याह हो रहा है किसका ना हो रहा, नो लव लाइफ। तुम पे कोई छोरी हो, तुम पे कोई छोरी हो भाई तो भेज देना, मतलब भेज देना रिश्ता हो कोई, छोरी कहाँ भेजोगे तब यार, वहाँ भेज देना, देख लो गलत लोगों से मांग रहा है तू, देख भाई तुम पे बहुत छोरी है यार। वैसे ये बात सही कही एल्विश ने जो सजेशन दिया है कि भाई 18 से 23 मत फंसो, हमने बहुत यूट्यूबर्स भी देख लिए जो लड़की बाजी के चक्कर में, अरे कौन यूट्यूबर है लड़की बाजी यार मेरी साइड नहीं नहीं तेरी साइड नहीं देख रहा, ये बात 100% सच नहीं है कि लड़कियां हर बार डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, हमें तो करती है, तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगी। तो भाई जैसे तू कह रहा था रिश्ते विश्ते आ रहे हैं है ना, तो ऐसा हुआ है कि तू बैठा है कहीं और उन्होंने पहचान लिया हो या ना पहचाना हो या बाद में पता चला हो वीडियो देख के कि ये तो एल्विश है? रिश्ते हमें भाई बीच में का सिस्टम हुआ, मेरे पास दो रिश्ते आए,
रिश्ते कम थे ना ऐसे खरीद ले इसे कह रहे 2.5 करोड़ रुपए कैश एक रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी में का अच्छा मन फिर गया मेरे को मैं का सही कह रहे हैं यार मैं का कर लेते हैं फिर मैंने सोची यार ये तो जमीर बेचने वाली बात हो जाएगी मैं का फिर बेच फिर वो बिका क्यों नहीं अरे फिर उन्हें खरीदा ना यार अरे मजाक कर रहा हूँ भाई मैंने बेचा नहीं मैंने चूज करा मैंने की अभी टाइम है शादी में अभी है 1-2 महीने अभी तो कितने साल का है तो कुछ ऐसा इशू है कि पापा ने बोला कि साले मुझे मत लिया कर जो तुझे करना है तू कर पापा भाई मेरे बहुत जेन्युइन आदमी बढ़िया कोई दिक्कत ना मैं खुद ही डरूं पता नहीं क्यों डरूं डरावे ना मुझे मतलब मुझे लग है ऐसा ऑकवर्ड सा थोड़ा फील होता ना पापा के साथ की अगर मम्मी के साथ तो नहीं कुछ भी बोल दूं मैं अब पापा के साथ सोच समझ के बोलना पड़ेगा कि अगर मैंने ये बोल दिया तो पापा को भी कान पे भी आ सके लाइव व्लॉग में अब तो मारना छोड़ रखा है लेकिन ऐसे एक रिस्पेक्ट होती है एक डर सा होता है यार अभी थोड़े दिन पहले की बात बताता हूं क्या कह रहे इसमें इसे चलाऊंगा मेरे भाई पापा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ना करे उसने फॉलो करा केजरीवाल ने और मेरा खोल लिया ये रील सेक्शन और ये चला दिया एक रील चला दी मेरी उधर दिखा दे कैमरा पे अपने ये तो देखी है हम सब ने हाँ फिर मैं कहा क्या कह रहा ठीक है तू फिर मैं कह रहा क्या हो गया फिर दूसरी रील दिखा रहे जिसमें मैंने तेरा नाम दिल रख दिया फिर वो दिखा रहे कह रहा क्या है मैंने कि गाना है मुझे पसंद है कह रहा ठीक है फिर मैं कह रहा कहाँ जा रहे हो वो मैंने एक दिखाया अंडी बंडी सा गाना को डाल रखा मैंने गाड़ी घोड़े का मैं कहा ये भी तो डाल रखा है इसका भी देखो कह रहे ना और चले गए मतलब पापा ना उतनी कम्युनिकेशन नहीं है हमारे बीच में उतना जितना वैसा होता ना कि जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ना बात करा है पापा ये है कुछ बात करो तो उसका नो जवाब हम तो अब कितनी बात कर लूंगा मैं कॉन्वर्सेशन के लिए अगला आदमी भी तो बोलना चाहिए ना तो मतलब वैसे तो किसी चीज की मना ना करे मैं भी वहां पे गया था लद्दाख गया था मैं तो वहां पे एक मेजर था मेजर के साथ मैंने दारू पी ली दो पैग मार ली मैंने मैं पीता नहीं वैसे मैं उसके साथ मार लिया मैंने कि चलो बढ़िया फौजी के साथ बैठ के दारू पिया है पापा तो आती बता दी मैं पापा जी मैं वहाँ पे बैठा मैंने ऐसे ऐसे दो पैग मार दिए पापा पता क्या कर ठीक है मैं बढ़िया कर दिया तो ऐसे हाँ हाँ चिल आदमी तो वैसे कोई दिक्कत नहीं पर व्लॉग्स में अब जैसे मैंने बीच में कई बार लिए व्लॉग में वो मैं कहो पापा क्या हाल है ठीक है क्या करें तो जब कॉन्ट्रोवर्सीज होती है तो घर वालों तक बात कहीं ना कहीं से आ जाती होगी तो तब क्या रिएक्शन होता है कि पापा का कि स्पेशली समझाते हैं कि बेटा मत पढ़ या कैसा रिएक्शन रहता है भाई पापा कुछ ना कहे पापा देखे ही ना पहली बात तो यूट्यूब कुछ ना चलावे पापा चलावे यूट्यूब पर भजन वजन का कुछ वे देखा है कि एलियन का द अटैक कि भाई महाभारत में क्या था ये सब सुनते रहे अजीब अजीब चीज पर मेरा ना देगा कुछ तो अभी क्या पूछ रहे हैं कंट्रोवर्सी के टाइम मेरा दिमाग फ्लिप हो गया कुछ और आ गया मेरे दिमाग में तो कंट्रोवर्सी का क्या सीन हुआ था बहुत सारी कंट्रोवर्सी का ही तो खेल है मेरे भाई जितनी भी हो जाए मैं कुछ बोल दूँ कंट्रोवर्सी हो जाए पापा ने मम्मी बता दे मम्मी देखो सारा दिन यूट्यूब पे कौन लाइक किसके कमेंट कौन का कर रहा पता सब चीज और फिर पापा तो बता दे कान भर दे जाके कि ये देख लो ये काम कर रहा है तो पापा ने फिर थोड़ी चिंता हो जावे जैसे वो वाली आई थी ना पाकिस्तान से फोन वोन आए थे कोई मारने की धमकी दे दे तो घर वालों ने चिंता तो हो जावे तो उसके लिए समझावे कि भाई देख जो तू चाह रहा है ना वैसा मतलब पॉसिबल नहीं है ये है वो है मत कर ये सारी चीज़ फिर मैं पापा चला कोई दिक्कत ना है अब सौरभ भास्कर ने मेरे पे केस कर दिया था पापा उस पर आ गया था जी न्यूज़ पे कि सौरभ भास्कर ने यूट्यूबर को ये कर दिया फिर पापा का फोन आया मेरे पास कह रहा पलट पा जा मैं पापा के पास गया कह रहा क्या यू सौरभ भास्कर का वो खोल रखा आर्टिकल मैंने कि ये तो कंप्लेंट है कह रहा FIR है मैंने कि कंप्लेंट है कह रहा हाँ मैंने पता कंप्लेंट है फायर में क्या मैं इतनी कंप्लेंट पड़ी है फिर अरे मैं कंप्लेंट है ये कुछ ना दब जावे समझावे भाई थोड़ी सी अब उन्हें भी लगा बड़ा होली ऐसे साढ़े के समझाऊं तो फिर भी अपना फर्ज तो पूरा करें कि भाई ऐसा करो ऐसा मत करो एंड चॉइस मेरे ऊपर छोड़ दे कोई दबाव ना है कि भाई तुझे यही करना छोरी के मामले में तुझे यही करना ब्याह तो वही जहाँ मैं कहूँगा भाई सीरियस बातें बहुत हो गई केस वेस की अब और बताओ आगे क्या प्लान है अब कहाँ जा रहे हो ट्रैवल करने भाई अभी अभी सीन चल रहा है मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ रणबीर कपूर के साथ चल रहा है
रणबीर कपूर के साथ अभी जो मतलब उन्होंने मेरे से कंसेप्ट मांगा है वीडियो का, मेरे पे अभी कंसेप्ट है नहीं उस तरीके का, मतलब मैंने कभी बनाई नहीं ना ऐसे कि भाई वो उस मूवी में क्या है अग्नि बन पाएगा आग, तो मैं कहा आग हम कहा था बना दे इसे आग कंसेप्ट अभी सोचा नहीं, वो फाइनल होगा मैं समझ गया भाई शूट करने अभी आई है ना मूवी ब्रह्मास्त्र एक वेब सीरीज आ रही है मेरी उसके लिए कॉन्सेप्ट मांगा होगा, उसमें थोड़ी बदमाशी को ऊपर आऊं उसमें थोड़ी मार ज्यादा वो, उसके बाद फिर मैं निकल जाऊं कसोल मेरी फेवरेट जगह है, कसोल में भाई नेचर के मजे लेते हैं और पानी मुंह पे मारते हैं और बस उसके बाद फिर भाई दिसंबर में सीन बन रहा अपना ऑस्ट्रेलिया का, और बीच में भी सीन बना था आयरलैंड का, एक भाई है व्लॉगर ही है गुरमीत हरियाणा करके व्लॉग बनाते हैं वहाँ पे आयरलैंड रहता हो, तो भाई बुला रहा था कह रहा आ जाओ, अभी उनके भाई की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है इस वजह से मेरा वो कैंसिल हो गया, नहीं तो वहाँ भी जाता मैं, तो दिसंबर ऑस्ट्रेलिया डन और कसोल डन और मनाली डन, पूरा साल प्लान्ड है मतलब ऐसी होती है प्लानिंग भाई बढ़िया चीज़ है यार ये, अरे कहाँ प्लान्ड है कुछ प्लान्ड ना है, मेन चैनल हो गया ब्लॉग चैनल हो गया अमेजोन वाले डंडा कराए मेरा ये वीडियो दे दो वीडियो दे दो, उनका वीडियो दी इन्हों कह रहे ये था हमारा आज की स्क्रिप्ट दे दी अनूप भाई ने ये किस्सा एक बार मैं चाहता हूँ जनता को सुना दो भाई, अनूप भाई के साथ मैं क्या स्क्रिप्ट लिखने, मैंने कहा अनूप भाई अमेजोन वाले मांग रहे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट दो, अनूप भाई कह रहा भाई स्क्रिप्ट तो है मेरे पास दिमाग में, मैं कहा लिख दो फिर भाई, हमने गैल बैठ के लिख दी वो अमेजोन में कि दो एपिसोड की थी वो भाई अमेजोन वाले को भेज दी, मैं कहा हाँ आ जाएगी अपने शूट करेंगे बढ़िया इंडोर, उधर तो अमेजोन वाले आए कह रहे तो हमराज की स्क्रिप्ट है मैं कहा हमराज एक पुरानी पिक्चर है मैंने नहीं देख रखी थी, अनूप भाई ने देख रखी है अनूप भाई तो कही मैंने अनूप भाई तो हमराज की दोस्त है मैं कहा वे बेगू बैठे ये सिस्टम कर रहे बेइज्जती करवा दिया अमेजोन वाले, सोचेंगे साला काय का क्रिएटर है ये तो चोरी करा है सिस्टम खराब कर दिया मेरा, अब दूसरी लिखने का टाइम नहीं मिल पा रहा, लिखेंगे सही। तो वेब सीरीज का शूट हो गया है, होना है होना है भाई वेब सीरीज, हम मैं क्या चक्कर में था, मैं चक्कर था ब्रांड्स के चक्कर में कि कोई मुझे स्पॉन्सर कर दे पैसा आ जाए हमारे घर मिल जाए ब्रांड कह रही इसमें तो मार पिटाई गनी है हम ना कर रहे स्पॉन्सर, अब स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं भाई फिर निकाल दूँ, बहुत अलग लेवल की लिख दी मतलब उसमें गनगुन सब है। अच्छा फुल पावर बिल्कुल गति वासेपुर बनाया गया है भाई है भाई YouTube पे दूसरे पार्ट को यहाँ पर एंड करते हैं, और मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा इनकी ये ज़बरदस्त किस्म की लग रही है जो भी कन्वर्सेशन इनकी हो रही है, कितने खुल के ये हर चीज़ को बयान करते हैं, जैसे कि इन्होंने अपने फादर का बताया ना, तो मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर थोड़ी सी वो मारेंगे डंडी मारेंगे, कहेंगे नहीं मेरे फादर के साथ बहुत अच्छे और यूं और वो हम आपस में करते हैं लेकिन उन्होंने जो किया ना ये टिपिकल फादर और सन की यही स्टोरी होती है, आपकी अपनी अम्मी के साथ जो है ना वो ज्यादा बनती होती है और हर बात शेयर करते हैं, और फादर के साथ एक टाइम पर जाकर ना तो वो बातें मतलब वो जिस तरह की उन्होंने कहा ना एक गैप सा करके होता है कि बंदा बस हर बात में हाँ, मतलब वो उस तरह नहीं कर सकते, एक थोड़ा सा ना फादर का एक रोब होता है जिसके आगे बंदा जो है ना वो थोड़ा सा डर रहा होता है थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है, और अम्मी के साथ ऐसा लगता है जैसे दोस्त हैं अपनी यार ये तो अपनी ही है बस, तो इस तरह का सीन होता है, वो उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया, वो मुझे हंस हंस के ज़बरदस्त लगा, तो फ्रेंड्स आप लोग इंजॉय करें नहीं करो इस पॉडकास्ट को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मिलते हैं आज ही आपसे या कल नेक्स्ट इसकी एपिसोड में।